हेलो डियर लर्नर्स, आई एम डॉक्टर अखिलेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, उत्तराखंड, ओपन यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी, उत्तराखंड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पुश एंड पुल फोर्सेज ऑफ टूरिज्म। पुश एंड पुल फोर्सेज ऑफ टूरिज्म आर ए पार्ट ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ टूरिज्म। वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई मोटिवेशनल फैक्टर्स ऑफ टूरिज्म इन टू टू पार्ट्स, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज पुश एंड पुल फोर्सेज ऑफ टूरिज्म। Push and pull forces are such factors which motivates a person to travel to a destination. तो push and pull forces जो हैं, ये वो factors हैं जो कि एक tourist को motivate करते हैं कि वो किसी destination पर travel करने के लिए जाएं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो push factor हैं वो हमें अंदर से motivate करता है, वो हमारे inner side से जो है कि हमें motivate करता है कि हम कहीं travel करने जाएं। इसे हम अंदर की आवाज़ भी कह सकते हैं कि जो आवाज़ हमारे अंदर से आए हमें मोटिवेट करें कि कहीं पे जाओ, ट्रैवल करो, डेस्टिनेशन पे जो है कि अट्रैक्शंस को देखो, लोगों से मिलो। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पुश फोर्सेज ऑफ टूरिज्म है उसमें पहला है एस्केप और चेंज फ्रॉम डेली रूटीन वर्क। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे काम करते करते हम लोग जो है कि अपने कलीग्स और जो रूटीन का वर्क है हमारा उससे हम कुछ समय के बाद बोर हो जाते हैं, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हम चेंज करें कुछ समय का जो है कि हम चेंज करने के लिए, जैसे कि हम कुछ छुट्टी लेके, लीव लेके हम किसी डेस्टिनेशन पर अगर ट्रैवल करने के लिए चले जाते हैं तो वो कहलाता है एस्केप और चेंज फ्रॉम डेली रूटीन वर्क। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हम ट्रैवल करने जाते हैं और ट्रैवल करके वापस आते हैं फिर से हम एनर्जेटिक फील करते हैं, फिर से ऊर्जावान महसूस करते हैं और फिर से जो है कि हम अपने काम में लग जाते हैं। और एस्केप जो है कि या फिर चेंज जो डेली रूटीन से, ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लाइफ में। अगर लगातार कोई व्यक्ति काम करते रहेगा साल के 365 दिन तो वो जो है कि उसके काम में जो उसका वो रिजल्ट है वो भी उतना बेहतर नहीं रहेगा, उतना जो है कि क्वालिटी वाला उसका वर्क नहीं रहेगा। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बल्कि जो लोग वर्क कर रहे हैं वही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी जो है कि जो डेली रूटीन से एस्केप बहुत ज़रूरी है। वो लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ या फिर ग्रुप में जो है कि कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। ये जो है कि बहुत ज़रूरी है ताकि हम किसी जो है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें और फिर से एनर्जेटिक फील करके अपने काम में फिर से जुट सकें। सेकेंड पुश फोर्स ऑफ टूरिज्म इज रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। बहुत बार हमें जो है कि ज़रूरत महसूस होती है कि हम रेस्ट और रिलैक्सेशन करें, तो इसके लिए हम किसी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं, हम किसी रिसोर्ट में जा सकते हैं या फिर किसी हिल स्टेशन पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये भी जो है कि हमें अंदर से फील होता है कि अब हमें रेस्ट या फिर रिलैक्सेशन की ज़रूरत है और अब हमें किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए ट्रैवल करने के लिए। प्रेस्टीज एंड ईगो। बहुत बार जो है कि हम लोगों को दिखाने के लिए या फिर खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करने जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं होती है, ना ही हमें जो है कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, बल्कि हम सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखाने के लिए, अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए, खुद को जो है कि दिखाने के लिए, फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करने के लिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखाने के लिए कि हम कहीं घूमने गए हैं, हम सिर्फ इन कारणों से किसी डेस्टिनेशन पर घूमने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एंड फिटनेस। बहुत बार हमें फील होता है कि हमें जो है कि अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और फिजिकली फिट रहने के लिए हमें किसी डेस्टिनेशन पर जाना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग ऋषिकेश जाते हैं जो कि योगा कैपिटल के नाम से जाना जाते हैं, वहाँ लोग योगा के लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ट्रैकिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो ये सब भी जो है कि हेल्थ एंड फिटनेस में आ गया। इसके अलावा बहुत से लोग जो है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए भी जो है कि डेस्टिनेशन पर जाते हैं, वो भी हेल्थ एंड फिटनेस की श्रेणी में आ गया। नेक्स्ट है सेल्फ डिस्कवरी। बहुत से लोग जो है कि आत्मज्ञान के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, जैसे कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में चले गए जो कि उसके रिलीजन से रिलेटेड हैं। बहुत से लोग हमने देखा है कि सारनाथ जाते हैं, बोधगया जाते हैं, ठीक है, एकांत जहाँ पे उनको मिले और वो खुद के बारे में सोच सकें, खुद के बारे में जान सकें, क्योंकि जब वो परिवार के साथ रहते हैं या फिर कहीं पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे व्यक्ति को खुद को जानने का, समझने का समय नहीं मिलता है।
तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति क्या करते हैं, कहीं बार जो है कि ब्रेक लेके ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे उसे पीस, रिलैक्सेशन मिले, मेडिटेशन करने का जो है कि समय मिले, और वो ईश्वर के सामने बैठ के खुद के बारे में, अपने अच्छे बुरे कर्मों के बारे में सोचते हैं। तो ये कहलाता है सेल्फ डिस्कवरी। नेक्स्ट, एडवेंचर। एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे हम जानते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है कि ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी जाके पार्टिसिपेट कर लेगा। जब तक आपको अंदर से खुद से फील नहीं होगा कि आप फिजिकली फिट हैं, आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, तब तक आप मोटिवेटेड नहीं होंगे कि आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करने के लिए जाएं। तो ये भी पुश फैक्टर का, पुश फोर्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आपको अंदर से फील होता है कि मैं व्हाइट वाटर राफ्टिंग कर सकता हूँ, मैं पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ, पैरासेलिंग कर सकता हूँ, तभी आप जाते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए। रिलेशनशिप एनहांसमेंट। कई बार आपको लगता है कि किसी अपने रिलेटिव से या फिर अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी जो है कि अपने नोन से आपको मिलना चाहिए, बहुत समय हो गया है, तो आप जो है कि उनसे मिलने भी चले जाते हैं। बहुत बार जो है कि रिलेटिव्स बुलाते रहते हैं कि कभी आइए घूमने के लिए, हम यहाँ रहते हैं, बहुत सारे अट्रैक्शन से मुलाकात भी हो जाएगी, तो इस तो व्यक्ति जो है कि उनसे मिलने के लिए चला जाता है। इससे जो है कि रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम लंबे समय तक किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं या फ़ोन पर बातचीत वगैरह भी नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि रिलेशनशिप धीरे 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 करके वो जो है कि ख़त्म हो जाता है या फिर बिल्कुल जो है कि उस पर धूल जम जाती है रिलेशनशिप पर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिलेशनशिप को फिर से तरोताज़ा रखने के लिए, संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए हम लोगों से मिलते रहें, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों या फिर हमारे कोई दूसरे नोन हों। फिर हम बात करेंगे पुल फोर्सेज ऑफ टूरिज्म की। ये वो फोर्सेज हैं जो कि बाहर से हमें अट्रैक्ट करते हैं, बाहर से हमें बुलाते हैं कि आइए और इन डेस्टिनेशन पे इस अट्रैक्शन को देखने के लिए आइए। इसमें अब बहुत से लोग कहेंगे कि जब तक मेरी अंदर से इच्छा नहीं होगी तो मैं कैसे जा सकता हूँ, जब तक यानी कि पुश फैक्टर काम ना करें। तो मैं बताना चाहूँगा पुश पुल दोनों ही काम करते हैं। जब पुश फैक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पहले जो आदमी मोटिवेट होता है पुश फैक्टर से, और उसके बाद जब वो डिसाइड कर लेता है कि जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, कि मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करना है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे इस डेस्टिनेशन पर इस एक्टिविटी को करने के लिए जाना है। यानी कि पहले जो वर्क करता है पुश फैक्टर, उसके बाद वर्क करता है पुल फैक्टर। तो इसी तरह से पुल फैक्टर में क्या है, पुल फोर्स जो है वो पहले वर्क करेगा, वो पहले आपको मोटिवेट करेगा, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं अंदर से कि हाँ मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सी बीचेस, जैसे कि हम लोग टीवी पे पिक्चर्स में बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स बीचेस को देखने के लिए जाते रहते हैं, चाहे वो गोवा के अंजुना बीच हो, बागा बीच हो, जो है कि इसके अलावा मैरीना बीच हो जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का, मैरीन ड्राइव बीच हो, जुहू बीच हो, तो बहुत सारे इंडिया के जो है कि बीचेज हैं जिनको कि देखने के लिए लोग जो है कि जाते हैं, उसकी ब्यूटी को देखने के लिए, वहाँ पे सन सैंड सी, इसकी ब्यूटी को निखारने के लिए, वहाँ पे इंजॉय करने के लिए, बात के लिए या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग वहाँ पर जाते रहते हैं। तो ये क्या है, पुल फैक्टर है, क्योंकि हम सी की ब्यूटी से अट्रैक्ट होते हैं। फिर है म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज। बहुत बार हम जो है कि म्यूजियम को देखने के लिए, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम, टॉयलेट म्यूजियम, रेलवे म्यूजियम, बहुत से ऐसे म्यूजियम्स हैं जो कि यूनिक हैं अपने आप में। वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स को लेके जो है कि म्यूजियम्स को बनाया गया है, तो ऐसे म्यूजियम्स को देखने के लिए बहुत से लोग जाना पसंद करते हैं। या फिर मान लीजिए आपके नेशनल म्यूजियम है तो हर व्यक्ति जाना चाहता है वहाँ पे। तो ये जो है कि पुल फैक्टर है, जब हम वहाँ पे, हमें पता होता है कि वहाँ पे जो क्लोथिंग्स है, वहाँ पे जो पालकी है, वहाँ पे जो विंटेज कार है, वो जो है कि बहुत ही खूबसूरत है और उस पीरियड के जो है कि कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो व्यक्ति जो है कि खुद ही मोटिवेट कर होता है कि वो वहाँ पे म्यूजियम को देखने जाए। इसके अलावा आर्ट गैलरी, कई बार जो है कि हमें पता लगता है कि बहुत ही मशहूर पेंटर की जो है कि पेंटिंग्स लगी हुई है किसी आर्ट गैलरी में, तो हम लोग जो है कि वो देखने के लिए किसी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। फिर है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ठीक है, बहुत सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जैसे मैंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल साइट में हम लोग सारनाथ हो गया, बोध गया, कुशीनगर हो गया, ठीक है, इसके अलावा बहुत से साइट्स हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन से एसोसिएटेड हैं, इनको देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए टूरिस्ट जो है कि जा सकते हैं। टूरिस्ट ही नहीं बल्कि रिसर्चर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो है कि इन जगहों पे जाते हैं। फिर इसके अलावा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने बात किया ताजमहल, रेड फोर्ट, आमेर फोर्ट, नहरगढ़ फोर्ट, ये सभी जो है कि मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए भी टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पर अगर जाते हैं तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कहलाता है, क्योंकि हम लोग इनकी ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट होते हैं।
और इनकी ब्यूटी को देख के हमारा मन करता है कि हम भी यहाँ पे जाए। जैसे ताजमहल जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि उसकी ब्यूटी कैसी है, तो वो लोग खुद ही जो है कि दूसरों को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप लोग ताजमहल जाइए। या फिर जो व्यक्ति पहले कभी अकेले गए हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ एक बार जाना जरूर चाहते हैं क्योंकि उसकी ब्यूटी ऐसी है। तो इसी तरह से बाकी जितने जैसे जंतर मंतर हो गया और भी जितने भी हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो सभी देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ पर जाते रहते हैं। फिर है कल्चरल इवेंट्स। कल्चरल इवेंट्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल हो गए, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ठीक है। ये सभी देखने के लिए जब टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पर जाता है तो वो कल्चरल इवेंट्स में आते हैं, ठीक है। बहुत बार जैसे कि मान लीजिए कोई टूरिस्ट केरला गया तो कथकली डांस को देखने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अक्टूबर नवंबर के महीने में वाराणसी पहुंचा और उसे तभी पता लगा कि रामनगर की रामलीला जो कि विश्व प्रसिद्ध है और वो वहाँ पे जो है कि चल रही है, उसका आयोजन किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति उसे देखने के लिए जा सकता है और जाते ही हैं लोग, ठीक है। देव दीपावली, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, ठीक है, ये जब भी कहीं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उसी समय में कोई टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया आया है तो वो टूरिस्ट चाहता है कि वो जाके उस इवेंट को देखें। इसके अलावा जो लोकल टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट, वो भी चाहते हैं कि वो जो है कि इन सब इवेंट्स को देखने के लिए वहाँ पे जाएं। फिर है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जैसा कि हमें पता है कि भारत में लगभग 105 नेशनल पार्क और 500 से ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये जो है कि मैक्सिमम जो है कि इसमें से जो है कि सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट जो है कि नेशनल पार्क है, जबकि यहाँ पे टाइगर है, एलिफेंट है और जो है कि पैंथर्स हैं, तो इनको देखने के लिए तो टूरिस्ट यहाँ पे आते ही हैं और ये आपको बाकी जगह भी मिल जाएंगे जो फौना के स्पीशीज है, लेकिन इसको लोग इसलिए स्पेशली देखने आते हैं क्योंकि ये इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। इसी तरह से फिर जो है कि सुंदरबन नेशनल पार्क लोग जाते हैं क्योंकि वो सुंदरबन वहाँ पे डेल्टा भी है, मैंग्रोव्स भी है, फिर वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर हैं। फिर बहुत से लोग काजीरंगा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वन हॉर्न राइनोसोरस हैं। वैली ऑफ फ्लावर लोग आते हैं उत्तराखंड क्योंकि वो एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है इंडिया का जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे जो फ्लावर के स्पीशीज हैं वो देखने को मिलते हैं। आपको फोना स्पीशीज मिलेंगे लेकिन जो फ्लावर स्पीशीज हैं आपको वो भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है कि आदमी को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एम्यूजमेंट और थीम पार्क, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बात किया था, डिज्नी वर्ल्ड हो गया, एसएल वर्ल्ड हो गया, हम एसएल वर्ल्ड का ऐड वगैरह देखते हैं, पहले बहुत ज़्यादा ऐड आता था एसएल वर्ल्ड का जो मुंबई में है, तो वहाँ पे जब हम वहाँ की राइड्स देखते हैं, वाटर बेस्ड जो वहाँ के जो जो एक्टिविटीज़ हैं वो जब देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम एक बार जाएं। इसी तरह से रामोजी फिल्म स्टूडियो जो लोग गए होंगे उन्हें पता है कि वहाँ भी अम्यूजमेंट पार्क हैं, बहुत सारे झूले हैं, हर तरह के झूले, तो ये जो है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा फन सिटी है चंडीगढ़ में, ठीक है, वहाँ भी लोग जाते हैं, वहाँ भी लोग जाके राइड्स को इंजॉय करते हैं, बल्कि छोटे ही नहीं बड़े भी जाते हैं क्योंकि हर तरह के राइड्स होते हैं छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए। फिर है ट्रेडिशनल फूड और लोकल क्यूजिन, ठीक है। बहुत से बार जो है कि हम किसी डेस्टिनेशन पर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे जो हमें लोकल क्यूजीन के बारे में हमने सुना होता है, जैसे कि हमने बहुत सारा देखा होगा यूट्यूबर्स होते हैं वो किसी डेस्टिनेशन पे उनके फूड चैनल हैं, जैसे कि वहाँ पे वो इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे जाके वो लोकल जो क्यूजीन है उसको इंजॉय कर सकें, उसकी रिकॉर्डिंग कर सके और उसको जो है कि यूट्यूब के माध्यम से लोगों को दिखा सके। तो उनका मेन मोटिव ही होता है कि लोकल क्यूजीन को जानना, समझना और उसके बारे में दिखाना लोगों को। फिर है क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। बहुत से टूरिस्ट जो है कि जो किसी डेस्टिनेशन के क्लाइमेट या फिर उसके जो लोकल वेदर हैं उसको देख के अट्रैक्ट होते हैं। जैसे नैनीताल जो टूरिस्ट गर्मियों में आते हैं तो उसमें से बहुतों का जो मोटिव होता है, बहुतों का जो इंटरेस्ट होता है नैनीताल के क्लाइमेटिक कंडीशन को इंजॉय करना, क्योंकि उसी समय जो हमारे बाकी प्लेन्स के स्टेट हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, तो उससे बचने के लिए टूरिस्ट जो है कि अपने गाड़ियों से या फिर ट्रेन्स में जो है कि रिजर्वेशन करा के नैनीताल, मसूरी, हिल स्टेशन, इन सब जगहों पे पहुँचते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा होता है, उनके डेस्टिनेशन के मुकाबले काफ़ी जो है कि प्लीजेंट रहता है। तो ये जो है कि हमने बात किया पुश एंड पुल फोर्सेज ऑफ टूरिज्म को लेके। अगर आपके कोई भी इसमें सजेशन हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।